न्यूज मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बासौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर आज विद्यालय के बाहर ही विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन पर उतर गए। विद्यार्थियों का इस मुहिम में साथ गांव के ही ग्रामीण जनों और महिला पुरुषों ने भी समर्थन दिया। इस समर्थन के दौरान ग्रामीणों में बड़ा ही आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बच्चों का शिक्षा जो है वो व्यवधान हो रही है कि शिक्षकों की कमी के कारण, शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा बड़ी ही प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चे कहाँ जाएं और कैसे पढ़ें। सरकार ने विद्यालय तो क्रमोन्नत कर दिया लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। इसी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आज विद्यालय के छात्र स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे, तो इन्हें देखकर ग्रामीणों ने भी उनके साथ खड़े होकर इनको समर्थन दिया। हम आपको बता दें कि विद्यालय में नामांकन 450 का नामांकन है, जिसमें अभी कम से कम 350 के लगभग छात्रों के ऊपर 5 शिक्षक ही कार्यरत हैं। हालांकि स्टाफ की नियुक्ति के बारे में कहें तो 8 का स्टाफ है, जिसमें से एक को उदयपुर भेज दिया गया, तो एक के पास बीएलओ का चार्ज है, तो एक शारीरिक शिक्षक जो भी है वो मेडिकल कंटिन्यू चल रहा है, यानी लगातार वो मेडिकल पर है। ऐसे में 5 शिक्षकों के भरोसे यह विद्यालय चल रहा है और विद्यार्थियों का भविष्य 5 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। सरकार ने क्रमोन्नत तो कर दी आनन फानन विद्यालय में, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। इसी को लेकर अब लगातार हर क्षेत्र से यही खबर आ रही है कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, तालाबंदी की, लेकिन बांसुर विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसुर के छात्रों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया, अगर 5-7 दिन के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो विद्यालय पे तालेबंदी की जाएगी, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। इस दौरान ग्रामीण छात्रों ने भी क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे, साथ ही ग्रामीणों ने भी क्या कहा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों का अभाव विद्यालय में चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जीवन व शिक्षण जो है काफ़ी संकट में है। विद्यार्थियों ने क्या कहा हम आइए सुनते हैं, और ग्रामीणों ने भी क्या कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। तो देखा आपने छात्रों ने क्या कहा और ग्रामीणों ने क्या कहा। आते बैग लेके और वापस कोई पढ़ा भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, और 12वीं तक यहाँ पे स्कूल है तो स्टाफ के बहुत कमी है और हिंदी के टीचर भी नहीं है, इसलिए सुबह आते हैं वापस बैग लेके वापस घर चले जाते हैं। पढ़ाई नहीं होती है। हमारे स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और टीचर की बहुत कमी है, बच्चे आते हैं बैठ के चले जाते हैं, इसलिए बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है, और जल्दी से जल्दी टीचर की व्यवस्था करें, अन्यथा हम गांव वाले और बच्चे स्कूल का ताला लगाएंगे और नाराबाजी करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, नहीं तो हमारी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करी जाए। आज बांसुर स्कूल के बाहर जो ये प्रदर्शन हुआ है इसमें सभी ग्रामवासी और बच्चे लोग यहाँ पे हैं, और 450 का स्ट्रेंथ होने के कारण यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर टीचरों का देखें तो 5 टीचर यहाँ पे कार्यरत हैं, एक वो भी एक मेडिकल पे हैं और एक है वो शारीरिक शिक्षक है जो भी उदयपुर में अपने डेपुटेशन पे है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से और सभी ग्रामवासियों की यही एक ही आवाज़ है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे टीचर की व्यवस्था हो, नहीं तो कल से हम बच्चे यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सभी ग्रामवासी यहाँ पे नाराबाजी और तालाबंदी करेंगे। हम मेरी ये सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी आशाओं के पर पाँच दिन के अंदर हमारी ये अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम 5 दिन तक यहीं बैठ रहेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक यह स्कूल बंद रहेगा।
इस ग्रामवासियों और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और धन्यवाद। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसोर है, जहां पर शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण व बच्चों द्वारा स्टूडेंट द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लगभग 8 का स्टाफ बताया जा रहा है, जिसमें एक ने जो मुख्य प्रभारी है उन्होंने मेडिकल ले रखा है और एक शारीरिक शिक्षक है जो वो अपने डेपुटेशन पे उदयपुर लगा हुआ है और एक बीएलओ का काम संभाल रहे हैं, एक एलडीसी का काम संभाल रहे हैं, उसके बाद में 5 का स्टाफ है, जबकि वर्तमान में बच्चों के स्टैंड 450-460 लोगों को बच्चों के स्टैंड है और आज उपस्थित बच्चे हैं जो 360 बच्चे हैं और ऐसे में हर विभाग सिर्फ और सिर्फ स्कूल की घोषणा करके तो छोड़ देते हैं, उसको 12वीं करके छोड़ देते हैं, परंतु अभी तक लगभग स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमियां चल रही है, जिससे बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही है और बच्चे आए दिन सिर्फ बैग लेके तो आते हैं लेकिन वो सिर्फ जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, उसके नहीं तो कोई सीखने की चीज़ मिल रही है नहीं कोई उसको भविष्य का बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। ऐसे में मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप शिक्षा विभाग नहीं संभाल पाते हो तो आप बच्चों को स्कूल में 12वीं मत करो, अगर आप 12वीं करना ही चाहते हो तो इन बच्चों को बराबर शिक्षा दो, क्योंकि ऐसे में आए दिन बच्चे घूमने फिरने लग जाएंगे क्योंकि स्कूल में शिक्षा नहीं होगी तो स्कूल में आगे करेंगे क्या। इसे मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी करके इन बच्चों को वापस उनका भविष्य सुधारने का प्रयास करें और इस बच्चों को वापस स्कूल में समय पर आने पर ये करें, ताकि और जो डेपुटेशन वगैरह लगे हुए हैं या फिर जो छुट्टी पे है उनको भी तुरंत प्रभाव से यहाँ कार्यरत। तो देखा आपने छात्रों ने क्या कहा और ग्रामीणों ने क्या कहा, जो था सत्यता उन्होंने बयान की। इतने 450 जिस विद्यालय के अंदर नामांकन हो और 5 शिक्षकों के भरोसे चल रहा हो तो उस विद्यालय का और विद्यालय के बच्चों का भविष्य क्या होगा यह आप ही तय करें। मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़, बने रहिए मेरे साथ।